अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाग एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। आज आपको सबसे पहले मौजू के हवाले से ये बताता चलूं कि नाअहल करने पर नवाज शरीफ जो है वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और इस बात का जवाब देने पर जो है पीटीआई मैदान में आ चुकी है। तहरीक इंसाफ ने हेलीकॉप्टर के जरिए जो है रावलपिंडी में पर्चे भी आज गिराए हैं और तहरीक इंसाफ ने नाअहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी जमात नून लीग को हर तरह से शिकंजे में जकड़ने का फैसला कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म की रैली में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म को आज ख़त भी लिख दिया है। इस पर भी मज़ीद बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि नाअहल करने पर नवाज शरीफ बार बार एक ही बात कहते हैं, मुझे क्यों निकाला। इस बात का जवाब देने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मैदान में उतर चुकी है और तहरीक इंसाफ ने हेलीकॉप्टर के जरिए जैसे कि आपको पहले भी बताया कि पर्चे गिराए, इस पर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे फिर प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद आगे भी बढ़ाएंगे। इसमें कोई हैरत की बात नहीं, अगर उमर खय्याम की रुबाई सुनहरे वक्त की बजाय पथरीली जमीन पर लिख दी जाए तो क्या उसके मानी बदल जाएंगे? नहीं। तो फिर तुम्हारे महावली ने हमारे लिए जो कुछ भी सोचा है गलत ही सोचा। फिल्म मुगले आजम में जहांगीर का किरदार अदा करने वाले दिलीप कुमार का कहना था, फिल्म खत्म होने के 6 माह तक मैं अपने आप को शहनशाह जहांगीर समझता रहा और मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी, मुझे कई अरसे माहिर नफ्सियात से इलाज करवाना पड़ा। उसे फरजंदे अर्जुमंद वलीयदे सल्तनत बड़ोगे दूध माने बादशाही और बख्तियारी चरागे खानदान शौकत ताजदारी नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम कल अलसवा शाही महल छोड़ दें और मुस्ताद और तैयार लश्कर जर्रार लेकर दकन की तरफ कूच फरमाए। इसी तरह का हाल अब नवाज शरीफ का है जिन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इनका 35 साल अरूज दवाल पजीर हो चुका है और वो नाअहल हो चुके हैं। भुजा वाला के आवाज क्यों निकाला गया नवाज शरीफ का बताओ, क्या करप्शन की थी मैंने, क्या करप्शन की थी नवाज शरीफ ने, क्या रिश्वत शरीफ ने, कौन सी कमीशन नवाज शरीफ ने दी थी, कौन सा रुपया खुद पुट किया था बताओ मुझे। नाअहल वजीर आजम के सवाल मुझे क्यों निकाला का जवाब देने के लिए तहरीक इंसाफ ने हम बताते हैं कि क्यों निकाला आपको के उन्वान से तैयार करता पर्चा मुल्क भर में तकसीम करने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ नून लीग पर खूब तंज के निश्तर बरसा रही है। पीटीआई तर्जुमान के मुताबिक इन्हें पहले से इल्म था कि अंग्रेजी में की गई कार्रवाई नवाज शरीफ को समझ नहीं आएगी। नवाज शरीफ को काफी वक्त भी दिया कि वो किसी अंग्रेजी जानने वाले से समझ लें कि इन्हें क्यों निकाला। आखिरकार हमें ही बताना पड़ रहा है कि मियाँ साहब को क्यों निकाला गया। इजाजत का मुंतजर है शहजादे, क्या जख्म धोए नहीं जाएंगे? ये जख्म नहीं फूल है दुर्जन, और फूलों का मुरझाना बाहर की रुसवाई है। भुजा वाला के आवाज क्यों निकाला गया नवाज शरीफ का बताओ, क्या करप्शन की थी मैंने, क्या करप्शन की थी नवाज शरीफ ने।